की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, कैलेंडर है। ठीक है, अब इसमें जो है सभी भाई, कैलेंडर जो है तो इसमें आपका जो साल होता है, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि एक साल में कितने दिन होते हैं। सभी को पता होगा, इतना तो जानते ही होगे तभी आज, क्योंकि इससे क्या हो, ये ऐसा टॉपिक है जिससे तुम लोग क्या हो, प्रैक्टिकल हो, फेमिलियर हो, मतलब जानते हो, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो इसमें सभी लोग बता दोगे जो मैंने पूछा कि एक साल में कितना दिन होता है। भैया 365 दिन होता है। ठीक है, और 366 दिन भी तो होता है। हाँ सर, होता तो है, 366 दिन भी होता है। कब होता है, जब ये लीप ईयर हो जाता है। यही तो कहोगे सर, लीप ईयर जब होता है तब हमारा क्या हो जाता है, साल में 366 दिन हो जाता है। अरे भैया एक दिन कहाँ बढ़ जाता है, ये भी सबको पता होगा कि भैया एक दिन कहाँ बढ़ जाता है, हमारा फरवरी में बढ़ जाता है। हमारा 28 की फरवरी हमेशा होती है, तो जब लीप ईयर होता है तो उस समय फरवरी जो है कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। ठीक, अब कहोगे सर चलो इतना तो जान गए, अब जिसे नहीं पहचानने में आता होगा कि सर लीप ईयर पहचानेंगे कैसे, कुछ लोगों को आता होगा बहुत तेज बैठे हो, तो भैया अब पहचानने वाले में आ जाते हैं चलो, कि लीप ईयर कैसे पहचानते थे वो भी बता दें। अब जैसे अभी इस साल जो चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है भाई, 2020, ये तो भूलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं आप लोगों के साथ कि 2020 भूलेगा नहीं। अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि दो बच्चों 2020 कैसा ईयर है, तो क्या करोगे, जो ही फंडा है, आप लोग जानते हो कैसे हमें पहचानना होता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो ये जो 365 दिन वाला है, इसमें इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर कह सकते हो, ठीक, या ऑर्डिनरी ईयर कह सकते हो, साधारण वर्ष, और ये लीप वर्ष। तो 2020 कैसे जानोगे कि ये साधारण वर्ष है या आपका लीप वर्ष है, तो उसके लिए आप लोग यही जानते हो कि सर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यही बोलोगे ना। तो चलो भैया 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, पूरे संख्या को ना डिवाइड करो, जब भी आपको चेक करना हो तो क्या करो, लास्ट के दो डिजिट देख लो, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। नंबर सिस्टम में, मैथ में जब पढ़ोगे तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही बताता है कि किसी भी संख्या का, जो बड़ी संख्या है उसके लास्ट के दो डिजिट देख लो, वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 20 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब बच्चों ये क्या है, लीप ईयर है। और ये देखे भी होगे इस साल जो है फरवरी कितने की थी, 29 दिन की थी। ठीक है, चलो आगे मैं लिख देता हूँ, वो भी बता देना कि कौन कौन सा कौन लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब बताओ भैया इसमें कौन कौन सा लीप ईयर है और कौन कौन सा लीप ईयर नहीं है, ये बताते चले जाओ। ये 2000 है, मैं यहां रफ कर दे रहा हूं। अब बताओ भैया ये 2000 मैंने लिख दिया, 2020 के बाद ये क्या भैया, लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है। कहोगे सर 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यही सब जानते हो कि सर 4 से जो डिवाइड हो जाए वही लीप ईयर होता है, यही पता है ना तुम्हें। चलो ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कह दोगे सर लीप ईयर है। चलो उसके बाद से ये 2019 है, तो 19 क्या 4 से डिवाइड है, 19 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा आपका लीप ईयर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, 94 देख लेते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड है, 94 को 4 से डिवाइड करोगे क्या होगा, क्या 4 से 4 दूनी 8, 14 बचा, 4 तीन 12, आपका शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो डिविजिबल जो है डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से पूर्ण रूप से इसमें, तो क्या हो जाएगा ये भी नॉन लीप ईयर हो जाएगा, मतलब आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर आपका वही होगा जो आपका 4 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कितना दे दे, 0 दे दे। चलो यहां देख लेते हैं 96, ये 4 से डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको बोल दोगे अच्छा सर ये लीप ईयर है। अच्छा 1900 को करोगे तब 1900 है, अब इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के दो डिजिट तो 00 भाई, डिवाइड तो हो ही जाएगा 4 से, तो कह दोगे सर क्या ये लीप, ये भी लीप ईयर है। तो क्या ऐसा होता है, क्या ये लीप ईयर है, यही फंस जाओगे तुम लोग, क्योंकि बच्चों ये जो है लीप ईयर नहीं है, ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है। ये कैसे पता चलेगा,
ये ऐसे पता चलेगा जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा सेंचुरी वाला, वो कह देंगे नहीं सर 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। कैसे? देखो होता ये है इसमें आपका नॉर्मल ईयर में कि जो सेंचुरी होती है, सेंचुरी मतलब जब भी आपके कोई भी ईयर हो लास्ट में डबल जीरो दिखाई दे दे, जैसे ये है लास्ट में डबल जीरो दिखाई दे दे, जैसे ये है, ये सब क्या है, ये है, ये 500, ठीक है, ये क्या है, सब सेंचुरी है। तो जो भी सेंचुरी ईयर हो उसको हम चार से डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे, हम सेंचुरी ईयर को क्या करेंगे 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर होगा, वो सेंचुरी ईयर जो है लीप ईयर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे आपसे गलती होती है कि उसे भी चार से, क्योंकि आपने ये गलती क्यों होती है, क्योंकि 2000 को आप चेक किए चार से डिवाइड करके, तो ये तो चार से डिवाइड हो गया, ठीक है, और ये लीप ईयर भी था, 2000 आपका लीप ईयर भी है और चार से डिवाइड हो गया, इसलिए सोचो कि सर ये जब डिवाइड हो गया ये भी लीप ईयर है, तो 1900 वाला भी चार से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी लीप ईयर होगा। नहीं, ये जो 2000 है ये सेंचुरी है, और सेंचुरी को जब 400 से डिवाइड करोगे, देखो ये 400 से डिवाइड भी हो जा रहा है पूरी तरह से, यहाँ रिमाइंडर क्या आपका आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये 2000 जो है आपका 4 से और 400 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आपका जो सेंचुरी है उसे 400 से डिवाइड करना है, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो वो ईयर आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। उसी तरह जैसे ये आपका 1900 था, इसे हम जब 400 से डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा, ये 00 को कैंसिल हो जाएगा, चार बार जाएगा, यहां रिमाइंडर बच जाएगा 3, ठीक है, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। भाई रिमाइंडर क्या आना चाहिए लीप ईयर होने के लिए, 0, तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है 400 से, तो हम कहेंगे जो 1900 है ये जो सेंचुरी है आपका ये कैसा है, नॉर्मल ईयर है, ये सेंचुरी जो है नॉर्मल ईयर है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल था उसी में, तो 1700 क्या होगा बच्चों, तो 1700 को भी क्या करोगे, ये भी सेंचुरी है, लास्ट में डबल जीरो दिख रहा है ना, तो इसे भी वैसे ही चेक करेंगे, भाई जब भी सेंचुरी आ जाए, सेंचुरी ईयर आ जाए, तो आपको क्या करना है 400 से चेक कर लेना है, 400 से ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये भी कह दोगे सर ये सेंचुरी जो है ये आपकी क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक, अच्छा अब देख लेते हैं 1600 को, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, इसे जब 400 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो देगा, जब रिमाइंडर जीरो देगा तो ये हमारा ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर, मतलब ये सेंचुरी ईयर ऐसा है जो क्या होगा, लीप ईयर होगा, जिसमें फरवरी क्या होगी आपकी 29 दिन की होगी। ठीक है, तो इतना समझ लो इससे कि जो भी आपके सेंचुरी होगा और वो लीप ईयर कब होगा, वो 400 के जितने मल्टीपल होंगे, क्योंकि 400 के जितने मल्टीपल होंगे वो आपके क्या होंगे, सेंचुरी, वो लीप ईयर होंगे, जैसे 400, 800, 1600, ठीक है, 3200, ठीक, तो जितने होंगे और भी जितने 400 के मल्टीपल होंगे वो आपके क्या होंगे, यार ये क्या होंगे, आपके पूरे के पूरे सेंचुरी ये हो गई आपकी लीप ईयर होगी। ठीक है, और नॉन लीप ईयर सेंचुरी कौन सी होगी, जैसे नॉन लीप ईयर सेंचुरी या नॉर्मल ईयर सेंचुरी कौन सी होगी, नॉर्मल ईयर सेंचुरी कौन कौन सी होगी, जो भैया इसके मल्टीपल नहीं होंगे 400 के, जैसे 100वीं सेंचुरी, 200वीं सेंचुरी, 300वीं सेंचुरी, 500, ठीक है, 600, 700 सेंचुरी, ठीक है, 1700, 1900, ठीक, ऐसे 2100, तो ठीक, तो ये सब जितनी हैं ये सब सेंचुरियां जो 400 से आपके डिविजिबल नहीं होंगी, ये क्या होंगे, आपके नॉर्मल ईयर हो जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आपका बेसिक सा फंडा कि आपको पहचान में कैसे करना है कि सेंचुरी कौन सी, अगर सेंचुरी लिखी है तो वो कैसे हम पहचाने कि वो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा। एक इसी में सिंपल सा मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि कोई एक बंदा है, सपोज करो राम है, ठीक है, और एक कहते हैं भैया हमारा जो जन्मदिन है ना वो 29 फरवरी को आता है 1896 में,
ठीक है, 29 फरवरी 1896 को हमारा जन्मदिन है। ठीक, तो हम अपना अगला जन्मदिन कब मनाएंगे? वो बोल रहा है भैया अब हम अपना अगला जन्मदिन कब मनाएंगे। तो अब देखो ये 29 फरवरी है, तो आप जान जाओगे कि 29 फरवरी लिखा है मतलब नॉर्मल ईयर में तो 29 फरवरी आता नहीं है। इसका मतलब ये जो 1896 है क्या ये लीप ईयर है क्या? देखो लास्ट के 96 जो है 4 से डिविजिबल है। हाँ डिविजिबल है, ठीक है, तो डिविजिबल है तो ये क्या होगा आपका लीप ईयर होगा। तो 29 फरवरी 1896 को इनका जो है बर्थडे है। अब ये अगला बर्थडे कब मनाएंगे? अब सभी जानते हो कि 4 साल, हर 4 साल बाद क्या होता है आपका लीप ईयर आता है। तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, इसका मतलब 1900 में ये मनाएंगे। आंसर तुम लोग कमेंट क्या करोगे? यही तो करोगे सर, हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है तो यही कमेंट करोगे सर 1896 में था तो 4 साल बाद 1900 में इनका फिर से 29 फरवरी को बर्थडे होगा। गलत हो जाओगे यहीं पे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो 1900 है ये क्या है आपकी सेंचुरी है। और जो ये सेंचुरी है तो अब इसे क्या करोगे 400 से चेक करोगे, 4 से नहीं चेक करोगे। जब 400 से चेक करोगे डिवाइड करके तो ये डिविजिबल नहीं होगा इससे, तो कहोगे भैया अब ये जो राम भाई साहब हैं ये अपना बर्थडे 1900 में नहीं मनाएंगे, ये कब मनाएंगे? क्योंकि ये आपका लीप ईयर हुआ ही नहीं। जब लीप ईयर नहीं हुआ तो ये कब होगा? 1904 में मनाएंगे अब ये। ठीक है, तो ये लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब 1896 में पैदा हुए थे तो ये अपना बर्थडे जो है 1900 में ना मना के अब सीधे कहाँ मनाएंगे? 1904 में मनाएंगे। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। ठीक है, ये इसी लॉजिक पे है कि आप लीप ईयर पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो, किस केस में? सेंचुरी के केस में। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, जहां लीप ईयर की बात हुई। अब नॉर्मल ईयर है तो आप लोग पहचान ही लेते हो कि नॉर्मल ईयर कैसे हमें पहचानना है। ठीक है, नॉर्मल हो चाहे उसमें जो भी आपका ईयर लिखा हो, जैसे 2020 लिखा है, 2015 लिखा है, तो जब भी आपके यहाँ 00 ना हो तो समझ लो ये सेंचुरी नहीं है। ये आपके ईयर दिए हैं उसमें आप 4 से डिवाइड करके पता कर सकते हो कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है, कौन सा आपका नॉर्मल ईयर है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लीप ईयर के बारे में कि आपके, मैं पूछूं आपसे कि भैया ये बताओ कि शुरुआत के 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे? शुरुआत के 5 साल में कितने लीप ईयर? शुरुआत के 5 साल मतलब आपका जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ होगा ना, पहला साल, दूसरा साल, ऐसे। तो शुरुआत के 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे भाई? जवाब दो, इतना तो जानते हो ना हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। तो आप जान रहे हो पहला 4 साल तो लीप ईयर नहीं होगा, दूसरा साल लीप ईयर नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा साल आपका ये लीप ईयर होगा। ठीक है, चौथा साल लीप ईयर होगा, उसके बाद से पांचवा नहीं होगा, छह नहीं होगा, अब हर 4 साल बाद आएगा, सातवां नहीं होगा, आठवां लीप ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद नौवां लीप ईयर नहीं होगा, दसवां नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, फिर ये लीप ईयर होगा। मतलब मैं एकदम शुरू से बोल रहा हूं, जब पहला सन हमारा चला होगा फर्स्ट एडी। ठीक है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं, ये नहीं, ये हमारा लीप ईयर होगा। ठीक, तो ये लीप ईयर आपका, अब बोलोगे सर ये लीप ईयर में एक दिन बढ़ कैसे जाता है? ये सब जानते हो कि क्या होता है आपका टोटल जो आपका होता है 365 दिन। ठीक है, और कितना आपका इसमें जो एग्जैक्ट नहीं होता, 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, ये होता है पूरे साल में 1 सोलर डे बोला जाए, 1 सोलर डे जो होता है आपका वो इसके बराबर होता है। तो हर 5 5 घंटा ऑन अप्रोक्स, मैं इसे 6 घंटा मान लूं तो हर 4 साल में 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ जाएगा ना, 24 घंटा मतलब 1 डे अप्रोक्स में ले लूं तो उसी के अप्रोक्स हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो वही हम 4 साल में एक लीप ईयर दिखा देते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका। मैंने पूछा था आपसे कि शुरुआत के 5 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, एक लीप ईयर पड़ेगा। शुरुआत के 10 साल में भाई कितने लीप ईयर पड़ेंगे? शुरुआत के 10 साल में हम देखें 10 साल तक तो एक चौथा वाला पड़ेगा, एक आठवां वाला पड़ेगा, मतलब 2 लीप ईयर पड़े। तो ये कैसे हमें पता चल रहा है? अगर हम 10 को शुरुआत के 10 साल में पूछा, उसे 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हर 4 साल में आपका क्या पड़ता है, एक लीप ईयर पड़ता है। ठीक है, तो उसे 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से हम जब डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये?
जितनी बार जाएगा, जैसे हम 4 से 10 को डिवाइड कर दें तो जितनी बार जाएगा 4 दुनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो रिमाइंडर से हमें नहीं मतलब है, हमें इससे मतलब क्वेश्चन से मतलब है कि ये कितनी बार गया। तो जितनी बार जाएगा उतने उसमें लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो ये गए तो वही ये आपका निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा 2 लीप ईयर होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे शुरुआत के 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, शुरुआत के 15 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट 15 को 4 से डिवाइड कर दो। तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा। तो इसका मतलब शुरुआत में कितने होंगे लीप ईयर आपके, 3 लीप ईयर होंगे 15 साल तक, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अभी तक मैंने आपसे 5 10 का पूछा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ बच्चों कि 100 साल में, ठीक है, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है, कितने आपके लीप ईयर होंगे, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे ये बताओ। तो अब ये कैसे करोगे, अभी जैसे मैंने बताया ना 4 से डिवाइड कर दोगे वही करोगे, क्योंकि सर जब 10 को 4 से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाता है 2 लीप ईयर, तो 100 को भी 4 से डिवाइड कर दें सर तो कितना आ जाएगा लीप ईयर, 25 लीप ईयर होगा 100 साल में, यही आंसर बताओगे। यही क्या हो जाओगे, ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था एक बार, ठीक है, CHSL में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि 100 साल में बताइए कितने लीप ईयर होंगे। तो बच्चों ने क्या किया, 100 को 4 से डिवाइड किया, 25 लगे, देखें 24 25 दिया था, मार के चले आए और गलत हो गया आंसर, ठीक है। यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ये है कि देखो एक तो आपका कौन सा लीप ईयर होता है, मैं 100 साल की बात करूं तो चौथा है, जो चौथा साल होगा वो होगा 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, डैश 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 96 होगा, ठीक है, और ये आपका 100 तक, यही तो होगा ईयर, यही आपके कह रहे हो ना, इसके हिसाब से तुमने जो 25 मारा तो यहां से यहां तक 25 होगा। मगर जो ये बच्चे ये जो 100 है ना, ये 100 आपका क्या है, सेंचुरी है। मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया कि जहां लास्ट में 2 जीरो आ जाए वो समझ लो क्या है, शताब्दी है, सेंचुरी है। तो उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि वो आपका जो ये शताब्दी है वो नॉर्मल शताब्दी है या लीप ईयर शताब्दी है। तो उसके लिए एक बार चेक तो कर लो भाई कि ये शताब्दी आपकी लीप ईयर शताब्दी है नॉर्मल ईयर शताब्दी है। तो इसे हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब 400 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो ये जो सेंचुरी है 100 सेंचुरी, ये हमारी लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, ठीक है, लीप ईयर सेंचुरी नहीं, तो लीप नहीं ईयर नहीं है इसका मतलब। तो हम इसे क्यों जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो एक माइनस कर देंगे, हमारा सिर्फ 96 तक ही होगा, ठीक है। ये 100 जो 100वां साल है आपका वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो इसमें टोटल जो आपका लीप ईयर आएगा 100 साल में लीप ईयर अगर पूछा है आपसे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 साल में 24 ईयर ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो ये गलती मत करना, एक बार चेक कर लेना। तो चलो आगे ऐसे ही बढ़ते हैं, जब 100 साल में लीप ईयर आपके क्या होंगे, 24 होंगे, तो 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे आपके बताइए। अरे सिंपल सी बात है, जब इसमें 24 होंगे तो इसमें आपके कितने होंगे, 100 साल में 24 और 100 साल में 24, तो दोनों को जोड़ दो 48 हो जाएंगे, ठीक। या एक तरीका और है बच्चों कि 200 है इसको 4 से डिवाइड कर दो, जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आएगा, यहां से 50 आएगा ना, ठीक है 50 आएगा। मगर इस 50 में देखो एक 100 जो सेंचुरी है ये भी लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, और जो 200 हुई है ये भी आपकी लीप ईयर सेंचुरी नहीं है। कौन सी सेंचुरी लीप ईयर होती है भाई, मैंने अभी बताया था ना 400, जो 400 के मल्टीपल में हो, तो 400 से नीचे जितने भी आपके सेंचुरी आएगा वो लीप ईयर सेंचुरी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो भाई बोलो। हाँ आ गया सर, ठीक। तो ये 100 और 200 ये दोनों सेंचुरी आपके लीप ईयर नहीं है, तो इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 48। वही करना है आगे, देख लो 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 300 साल में, तो भाई 3 को 400 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 25 जाएगा, 75 आ जाएगा।
मगर 75 तो आएगा, मुझे ये देखना है कि अब देखो इसमें और कौन कौन सा अंक छोड़ देंगे, 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है और 300 सेंचुरी भी, ये भी क्या है, लीप ईयर नहीं, मतलब तीन हमारे ऐसे हैं जो ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, तो इसमें से तीन माइनस कर देंगे, 75 में से तीन माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। या डायरेक्ट कह सकते हो कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं तो 300 साल में कितने होंगे, 24 या 72। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब आ जाते हैं 400 साल में, भैया ये बता दो बच्चों 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। 400 साल में सर आपने कहा कि यहां पे 24 या 72, तो 24 चौको सीधे 96, 96 होंगे सर, सिंपल सी बात है। अरे नहीं, फिर गलती करोगे ऐसे, क्यों, क्योंकि देखो एक तो आपका ये आपको सिंपल सी बात है कि 400 को जब डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा यहां पे आपका आ जाएगा कितना, 100 बार में चला जाएगा तो यहां आ जाएगा 100। मगर कौन कौन सा हमें छोड़ना है, देखो कौन सी सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, 100 वाली जो सेंचुरी है ये लीप ईयर नहीं है, 200 सेंचुरी जो है ये लीप ईयर नहीं है, 300 सेंचुरी जो है ये लीप ईयर नहीं है। मगर जैसे ही 400 कहोगे ना, 400 वाली सेंचुरी ये लीप ईयर है कि नहीं, ये तो होगी ना, क्योंकि ये जब 400 से डिवाइड करोगे तो ये तो कट जा रही है, रिमाइंडर इसमें नहीं आ रहा, तो ये सेंचुरी लीप ईयर है। इसका मतलब कि हमें कितना माइनस करना है 100 में से, सिर्फ 3 माइनस करना है, तो 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 97, ठीक है, तो 97 ये आएगा। अब यहां 96 आया क्योंकि 24 चौकस कर दिया ना तुम लोग कि 100 साल में सर 24 लीप ईयर होते हैं, तो 400 साल में 96 होंगे, 96 नहीं होंगे, एक और होगा, कौन सा, ये जो खुद का 416वां साल है ये तो लीप ईयर ही है, ये जो सेंचुरी है 400 ये तो लीप ईयर है, इसीलिए एक इसमें प्लस हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा इसमें 97 हो जाएगा। मतलब आपके 400 साल में 97 जो होंगे साल जो होंगे क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। यही यहां से भी आया आपका और यही यहां से भी आया। अब इसी पे बच्चों एक क्वेश्चन आपसे बनता है, तुरंत आंसर देना फटाक दे एकदम। देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे कि ये बताओ कि 29 फरवरी, ठीक है, 400 साल में कितनी बार आएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा इसका आंसर बताओ, 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा भाई, जितने अभी बता दिया मैंने आंसर, जिसको ऊपर वाला समझ में आ गया होगा तुरंत कमेंट कर दोगे कि कितना होगा इसका आंसर, क्योंकि ये 29 फरवरी मतलब क्या, वो ईयर कैसा होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए, तभी तो भैया आपको क्या आएगा 29 फरवरी आएगा। और मैंने अभी बता दिया ये सब किस पे डिस्कस हुआ है, ये उसी पे तो डिस्कस हुआ है कि 100 साल में कितने लीप ईयर, ठीक, 100 साल में 24 लीप ईयर। तो एक चार्ट बना लो बच्चों, यहां पे देखो, यहां लिख दो ईयर आपका, ठीक, और यहां लिख दो आपका क्या, लीप ईयर। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, और 200 साल में 48, 300 साल में कितना, 72, ठीक, और 400 साल में 97। और यही पूछा है आपसे कि 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा आपसे। तो सिंपल सा है, यहां मैंने आपको बता ही दिया कि 400 साल में कितनी बार आएगा लीप ईयर, 400 साल में 97 बार आता है, तो जितनी बार लीप ईयर आएगा उतनी बार ही क्या आएगा आपका, 29 फरवरी आएगा, ठीक है। चलो आगे आपका एक क्वेश्चन है, इसी से आपका होमवर्क के लिए आप लोग कमेंट करके उसको आंसर बताइएगा, जितना आज कॉन्सेप्ट बता दिया उसी पे है, उसके आगे अगले क्लास पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और डे का आज का यही है, इसी कॉन्सेप्ट पे है, वो क्वेश्चन आया हुआ है और आपको आंसर बताना है, आपको ये बताना है, क्वेश्चन नोट डाउट करो, क्या है क्वेश्चन लिखो कि ये बताओ कि 29 तारीख, मैंने ये बोला कोई उसमें मंथ नहीं बताया है, मैं बोला 29 तारीख जो डेट 29 है वो आपका 400 साल में कितनी बार आएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा
इसका आंसर भाई मुझे कमेंट में चाहिए सभी के। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा गया है। अब बच्चे इसी में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि सर 29, समझ गए कि 29 मतलब उनके दिमाग में एक ही होता है 29 फरवरी। मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सिंपल सा कि जो 29 तारीख है 400 साल में कितनी बार आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद से मैं अगली क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, जिसका नहीं आएगा घबराना मत। सिंपल सा है, आपको ऐसे ही निकालना है कि एक साल में कितनी बार 29 तारीख आता है, ठीक। उसके बाद से अब सब बता दूंगा तो कर ही ले जाओगे, आपको खुद बताना है। बाकी मैं इस पे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका आज के लिए क्या है, आज की क्लास के लिए जैकपॉट आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में सबका, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मन लगा के पढ़ो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और क्लास जैसे आपको लग रही है कमेंट करके बता दो कि भैया बहुत अच्छा लगा क्लास, ठीक है।